जनपद संभल की चंदोसी में केंद्रीय राज्य मंत्री और सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य ने नगरपालिका परिषद का दौरा कर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की। जनपद संभल की चंदोसी में केंद्रीय राज्य मंत्री और सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य ने नगरपालिका परिषद का दौरा कर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस विषय में केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर चौहान ने बताया कि आज उन्होंने नगरपालिका परिषद चंदोसी का दौरा किया और सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। कमी आई, जैसे मैं मंडी समिति से चली तो बाहर रोड पर हमने देखा कि कोरोना का इतना ज़्यादा डर चल रहा है। कोरोना के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि विदाउट सेफ्टी गियर आप किसी से काम नहीं करा सकते, फिर भी यहाँ खुलेआम जो ट्रॉली में कूड़ा डाल रहे थे कर्मचारी, वो कूड़े के बीच में खड़े होकर, नाली के कूड़े के बीच में खड़े होकर पूरे हाथ पैर सने हुए थे और ऐसे ही डाल रहे थे। क्या कार्रवाई होगी? ये कमी थी, इसमें हमने कहा कि इसमें तुरंत ग्लव्स मास्क दिए जाए और हम डीएम साहब को निर्देश करेंगे कि इन पे जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की भी अवहेलना कर रहे हैं, कोरोना वायरस इतना ज़्यादा चल रहा है उसका भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हमने निश्चित ही करानी है। इसके दोषी कौन है? इसके दोषी नगर पालिका। मेरे सवाल आपसे ये है, चंदोसी नगर पालिका में एक काफ़ी शिकायत आ रही है कि यहाँ पर काफ़ी साल पहले एक 48 से 20 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, उसमें से कोई भी सफाई कर्मी अपने मूल पद पर तैनात नहीं है, सभी किसी के घर पे काम कर रहे हैं, चेयरमैन के लिए हमने निर्देश कर दिया अभी ईओ साहब को, आप नहीं थे यहाँ, कि उनको सबको जिस मूल काम के लिए भर्ती हुई है, नियुक्ति हुई है, उस मूल काम पर भेजा जाए, अगर कोई नहीं करना चाहता है तो उसको फ्री कर दिया जाए। और इसके अलावा अगर आपको ऑफिसों में अटैच करना है तो समानता का भाव रखकर दो एससी, दो बीसी, दो जनरल सबको मतलब समावेश किया जाए, जिससे कि किसी के मन में पक्षपात, किसी के मन में वैमनस्यता का भाव ना जाए कि मेरे साथ कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जिस सरकार की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं वहाँ सबके साथ, सबके विकास, सबके सम्मान की बात की जाती है और हमारा आयोग इसी के आधार पर काम कर रहा है। ये कर्मचारी जो ना बारिश देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि जैसे सरहद पर एक सैनिक काम करता है, उसी तरीके से हमारे शहर में हम सबको सुरक्षित स्वस्थ रखने का काम ये सैनिक के रूप में करते हैं, और उसी तरीके से जैसे सैनिक खड़ा रहता है अपनी ड्यूटी पर, ये खड़े रहते हैं, तो इनके सम्मान में कमी क्यों? सरकार चाहती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज में जो सम्मान दिया, क्या हमारे अधिकारियों को उससे सीख नहीं लेनी चाहिए? कर्मचारियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? उनके अधिकार ही उनको कम से कम दिए जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है, हमारे आयोग का प्रयास है। आपकी सरकार जो है लगातार महापुरुषों के सम्मान की बात करती है, लेकिन संभल जनपद में जितने महापुरुषों के स्मारक स्थल हैं या पार्क हैं, सब कहीं तबेले बने हुए हैं, कहीं कूड़ा घर बने हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नजदीक में गांधी पार्क है, तबेला बना।